असलम अम्मा बाद मोहतरम नाज़रीन हमारा समाज इस वक्त इस तरह से बन चुका है कि बुराइयां गालिब हैं और नेकियां मगलूब बुरे लोग ज्यादा हैं और भले लोग कम हैं बुराइयों को इज्जत मिल रही है और भलाइयों को हकीर समझा जा रहा है और इसी वजह से जिसके पास माल है जवानी है उसे ऐसा नहीं लगता कि उसे नेकियां करना चाहिए उसे ऐसा लगता है कि नेकियों की जरूरत नहीं है नेकी के मौके मौजूद हैं भलाई करने की ताकत मौजूद है खैर करने के लिए जवानी मौजूद है मदद करने के लिए माल मौजूद है लेकिन उन्हें नेकी करने का जज्बा नेकी करने का शौक नेकी करने की चाहत ही नहीं है सारे जराए मौजूद होने के बावजूद इंसान नेकी करना नहीं चाहता है। शायद उसे यह लगता है कि नेकियों का फायदा क्या है हालांकि इस दुनिया में और आखरत में नेकी से ज्यादा नफा बख्श चीज और कुछ भी नहीं अगर किसी इंसान के पास नेकियां हैं भलाइयां हैं अल्लाह के लिए खालिस किए गए अमाल हैं तो यह अमल आपको दुनिया में भी नफा बख्श होंगे दुनिया में भी आपको फायदा देंगे और कयामत के दिन तो नेकियों का फायदा ही फायदा है। लेकिन इन नेकियों का फायदा दुनिया के अंदर भी होता है अल्लाह आलमीन ने कुरान करीम में हजरत यून सल सलाम का वाकई बयान फ़रमाया। और आपके वाकई के बयान करने के बाद अल्लाह आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर सलात सलाम नेकिया करने वालों में से ना होते तस्बीह बयान करने वालों में से ना होते इबादत करने वालों में से ना होते यानी इस वक्त वो समंदर में मौजूद है मछली के पेट में इससे पहले अगर उनके पास नेकिया ना होती तो वो मछली के पेट में कयामत तक के लिए पड़े रहते उनकी पहली की नेकिया अल्लाह आलमीन ने उनको जरिया बना दिया यूनुस अलैहिस्सलाम की निजात के लिए इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान फरमाया जिसे आप जानते हैं कि बनी इसराइल के तीन लोग सफर कर रहे थे बारिश होने लगी वो जाकर के एक गार में छुप गए गार का मुंह एक भारी चट्टान की वजह से बंद हो गया दुनिया में ये कितनी बड़ी मुसीबत थी उनके लिए گویا वो गार उनके लिए कब्र बन गया और वहां से निजात का जो जरिया बना वो उनकी खालस नेकियां थी वो नेकियां जो उन्होंने अल्लाह के लिए अंजाम दी थी उन्होंने उन नेकियों के वसीले से अपने रब से दुआ फरमाई और अल्लाह आलमीन ने उनको नेकियों की वजह से उस बड़ी मुसीबत से निजात तो आप अंदाजा लगाइए कि ये नेकियां एक इंसान को दुनिया के जिंदगी में भी बहुत फायदा देती जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को फायदा हुआ जिस तरह उस गार में फंसे हुए तीन लोगों को फायदा हुआ आप भी नेकियां जमा करते रहिए नेकी का कोई भी मौका आए आप उसे जरूर अंजाम दीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों की वजह से दुनिया में भी इंसान की मुसीबतें दूर करता है और क्यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मुसीबतों को दूर करने वाला है लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम और आप नेकी का कोई भी मौका कभी भी ना गंवाएं जो नेकी बहुत मामूली है बज़ाहिर आपको बहुत हल्की लगती है लेकिन वही छोटी सी नेकी आपको जन्नत दिला सकती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक आदमी सफर कर रहा था उसने देखा कि एक कांटा एक कांटेदार झाड़ रास्ते पर मौजूद है उसने उस कांटे को रास्ते से हटा दिया बहुत मामूली नेकी है लेकिन अल्लाह आलमीन ने उसके इस अमल की कदरदानी फरमाई और अल्लाह ने इस हमल की वजह से उसे बख्श दिया और उसे जन्नत अता फरमा दी तो नेकी को हकीर ना समझें और नेक लोगों की तरह जिंदगी गुजारें ताकि आपके ऊपर जब भी मुसीबत आए जब भी परेशानी आए तो आप मायूस ना हो और आपकी नेकियों की वजह से अल्लाह ताला आपको दुआ की तोफ़ी अता फरमाए और उन्हीं नेकियों की वजह से अल्लाह आलमीन आपको दुनिया और आखरत की मुसीबतों से निजात दे लिहाजा नेक लोगों की ज़िंदगी गुजारें और नेकी का कोई भी मौका आपके हाथ लगे तो उस नेकी को ज़रूर अंजाम दें काहली और सुस्ती इंसान की दुश्मन है इसलिए मेहनत करें और नेकी का मौका हाथ आए तो ज़रूर नेकी करें अल्लाह रब्बुल रब्लमिन हम सबको नेकियां करने वाला और अल्लाह रब्बुल रब्लम के लिए खालिस नेकियों को जमा करने वाला बनाए और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम मुसीबतों से निजात दे आमीन आमिर व वरम्बरकू